Okay guys, hello everyone and welcome to my YouTube channel which is Sisters Academy. So guys, अब इस session में, इस video में जो है, हम लोग जो 2019 का paper 1 था, उसके questions जो है discuss करेंगे, ठीक है? तो 2019 paper 1 के जो कई सारे PYQs हैं, that is June वाले हमारे, वो मैंने अपने plus में करा रखे, ठीक है? So अगर आप लोग को उनको detail में पढ़ना है, तो please plus course का subscription आप लोग low and mirror referral code use करना मत भूलना, जो कि है Soumya-Singh-5273, because इससे जो है आपको like 10% का discount मिलेगा, जो कि अच्छा खासा discount है, ठीक है? So just go for it. तो चलिए हम लोग आज के अपने session से start करते हैं, जहाँ पे मैं आपको 2019 June paper 1 analysis कराऊंगी, and ये जहाँ तक है जो management का paper हुआ था ना, उसका वाला ये paper 1 है, ठीक है? चलो. So first question क्या बोलता है हमसे? Let's see. When the learning outcome of students are ensured with employment of less resources and effort on a part of a teacher and more initiative for self-learning is evident, which of the following expression will describe the teacher most appropriately? तो क्या होता है? जब students जो हैं वो like proper employed होते हैं, जहाँ पे उनको अपने efforts कम डालने होते हैं, and teacher भी जो है वो लाइक ज़्यादा फोकस करती है स्टूडेंट्स के ऊपर कि वो सेल्फ लर्निंग पे ध्यान दे, तो इसका मतलब टीचर जो है वो क्या है? टीचर सक्सेसफुल है, इफेक्टिव है, इंटेलिजेंट है, या फिर टीचर प्रैक्टिकल है? सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप लोग हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन टिक करोगे कि टीचर जो है वो हमारा इफेक्टिव है, ठीक है? क्योंकि अगर हम लोग टीचिंग कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इफेक्टिव जो है वही राइट वर्ड होता है जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A hypothesis should be conceptually. तो hypothesis जो है वो उसमें like क्या-क्या features होने चाहिए? ये लिखा हुआ है. So option one क्या है? Convoluted, complex and generic. Two है complex stuff and general. C है simple, clear and specific. And the four है that is obscure, complicated and simple. So guys, अगर आपको इसका answer अच्छे से नहीं पता, तब भी आप इसका answer tick कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के सारे ऑप्शंस में कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्ड आपको जरूर दिखेगा, ठीक है? लाइक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिख जाएगा, यहाँ पे टफ दिख जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड दिख जाएगा, राइट? लेकिन हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए? हाइपोथेसिस हमारा सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट. Mail questionnaire, observation, interview and collective questionnaire are instances of. तो instances मतलब कि ये किसका example है, ठीक है? ये हमसे पूछा गया है. और example of तो ये secondary sources का है, personal sources का है, primary sources का है या फिर tertiary sources का है. So ये जो questionnaire हो गया, observation हो गया, interview हो गया, collective questionnaire हो गया, guys ये सब हमारे example है primary sources के. क्योंकि अगर हम लोग अपने रिसर्च वर्क में जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम लोग इन्हीं मेथड्स के थ्रू तो करते हैं. तो अगर हम लोग खुद से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है. एंड हम लोग कलेक्ट इन सब चीज़ों के थ्रू करते हैं, तो ये क्या है हमारे? ये हमारे प्राइमरी सोर्स है. सिंपल, राइट? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज. सो ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? ऑप्शन आर नंबर 1, ensuring learning outcome of every child to be the same, कि हर कोई जो है same level का, मतलब बराबर से सीखे चीजें. Then two is including the disabled in the mainstream, कि आप जो disabled बच्चे हैं उनको भी आप like उसमें include करो main like जो normal classes होती हैं. या फिर three, provide compulsory education for children below 14 years, के जो 14 साल के नीचे के बच्चे हैं उनको आप compulsory जो है education provide करो. And four is ensuring that no child is left behind in education. फिर आपको क्या ensure करना है कि कोई भी बच्चा जो है वो हमारे education से जो है वंचित नहीं रहना चाहिए. मतलब हर किसी को education जो है वो provide होनी चाहिए, ठीक है? So inclusive education क्या imply करता है? Guys, इसका correct answer है option number 4, कि कोई भी बच्चा जो है पढ़ाई से वंचित नहीं रहना चाहिए. हमें ये make sure करना है कि हर एक बच्चे को education मिले, ठीक है? चलो next. Now reflective practices implies use of ones. Reflective practices में आप like जो reflective practices होती हैं, उसमें आप क्या use करते हो? Cognition, metacognition, metacognition on cognition, reinforcement of learning. So guys, इस question को समझने के लिए like आपको cognition, metacognition इन सब के बारे में पता होना चाहिए. Cognition क्या होता है? Like using one own mental ability, ठीक है? Metacognition होता है कि जब हम like
अपनी सोच के बारे में सोचते हैं, इट्स लाइक दैट. देन थ्री इज मेटा कॉग्निशन एंड कॉग्निशन. तो इनके बारे में आपको लाइक डिटेल में जाके पढ़ना है. एंड इसका जो आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेटा कॉग्निशन ऑन कॉग्निशन. ठीक है. नाउ सिक्स इज, ना ये हमारा लाइक इंटेलेक्चुअल लेवल वाला भी क्वेश्चन है. इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी आपकी चेक करी गई है इसमें. कि फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंपेयर टू, तो फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम, अगर हम लोग रिसर्च प्रोसेस देखें तो उसका पहला स्टेप हमारा क्या होता है, यही होता है फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम. कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को पता लगाते हैं. मतलब हम लोग ये देखते हैं कि हमारी रिसर्च का जो टॉपिक है वो क्या होगा, राइट. तो इसको कंपेयर करा है एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से. सो लाइक किससे ये रिलेटेड है, किसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो. सो ऑप्शन है लाइक लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, देन बिल्डिंग द वॉल्स ऑफ अ होम, देन पॉलिशिंग द डोर्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द सीलिंग ऑफ अ हाउस. सो अगर इसका करेक्ट आंसर देखिए तो हमारा क्या होगा, इट्स ऑप्शन नंबर वन, दैट इज लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग. ठीक है. हम क्या करते हैं, जब हमारा रिसर्च प्रॉब्लम जो है, रिसर्च प्रॉब्लम ऑफकोर्स फर्स्ट स्टेप है. तो ऐसे अगर हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहां पे भी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग. मतलब बिल्डिंग की जो है नींव रखना, राइट. वो भी फर्स्ट स्टेप होता है जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट. सो इसी के साथ गाइस हमारा ये सेशन एंड होता है. थैंक यू.